इप्टा मेरा इप्टा से रहा है, लेकिन आपको लगता है कि क्या मैं इप्टा को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं 1980 में अब फिल्मों में काम कर रही थी, 6 साल से फिल्मों में काम कर रही थी, काफी नाम कमाया हुआ था, और मैंने इप्टा में कहा कि मैं थिएटर में काम करना चाह रही हूँ। उस वक्त MS सत्यू डायरेक्ट कर रहे थे प्ले सुफेद कुंडली, जो कि बर्टोल्ड ब्रेक्ट के कॉकेशन चौक सर्कल पर बेस्ड है। तो सत्यू साहब ने मुझे अपनी नाक से बोला, यहाँ सब फिल्म स्टार वाला काम नहीं चलेगा, यहाँ बिल्कुल वक्त पे आना पड़ता है और वक्त पे जाना पड़ता है, मेरी शूटिंग लेट हो गई, ये होगा होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, मैं 10 दिन तक तुमको, तुम रिहर्सल पे आओ 10 दिन तक, और अगर 10 दिन तक तुम वक्त पर आई तब मैं तुमको इस प्ले में लूंगा। चुनाचे चाहे कुछ हो जाए, मैं भागते भागते आके वहां पहुंची थी। जब 10 दिन तक मैं बिल्कुल वक्त पर पहुंची, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम हमारे प्ले में काम करो। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने इप्टा के नाटक में काम किया। अभी यहां सुलभा जी बात कर रही थी, एक चीज जो बिल्कुल मेरे दिल पर हमेशा के लिए एक मोहर बना चुकी है वो ये बात, जाहिर है क्योंकि थिएटर से हमेशा मेरा ताल्लुक रहा है, तो हमेशा ये सुनती आई हूं कि द शो मस्ट गो ऑन। हम लोग सफेद कुंडली में ही काम कर रहे थे और हैदराबाद में शो था, और सुलभा के जो छोटे बेटे हैं उस वक्त 4 साल के थे, वो मेरी मेरे बेटे का रोल करते थे प्ले में, उनको 103 बुखार था क्योंकि उनको मम्स हो गए थे। और आप यकीन मानिए कि प्ले चल रहा है, विंग्स में सुलभा सागर को, 4 साल के सागर को प्यार किए जा रहे हैं, उनके आंसू टप 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 गिर रहे हैं, उनको जो है उनके मम्स के ऊपर वो ठंडा पानी लगा रही है, और जब उनका वक्त आया स्टेज पर एंट्री लेने का तो रोते हुए उन्होंने कहा कि बेटे अब आप स्टेज पे जाओगे? तो सागर ने बोला हाँ, और जाके 4 साल के बच्चे ने 103 टेम्परेचर में जाके अपना सीन किया। दैट इज ऑफ द शो मस्ट गो। अभी तो जाहिर है कि मेरा भी इसी तरह से मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है। मुझे एक चीज फिर याद है कि अफ्रीका जवान परेशान एक प्ले था जो बहुत ही कामयाब हुआ था, उसमें एक ही हंगल और मामी दोनों लीड रोल कर रहे थे, और बहुत ड्रामेटिक प्ले था, उसमें उनकी बहुत ज्यादा ताकत जाती थी। किसी वजह से ऐसा हुआ, वो भी हैदराबाद का वाकया है, कि ऐसा हुआ कि शायद पब्लिसिटी ठीक नहीं हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था, कि पता चला कि सिर्फ 8 ही टिकट बिके हैं, 800 का थिएटर था, 8 टिकट बिके। तो दोपहर में फिर मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये कहा गया कि देखिए ये तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, तो जो 8 लोगों ने अपने टिकट खरीदे हैं हम उनको उनके टिकट के पैसे रीइंबर्स कर देंगे। तो शौकत कैफी और हंगल राम ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, द शो हैज टू गो ऑन, चाहे 8 लोग हों चाहे 4 लोग हों, उन्होंने टिकट खरीदा है और हमारे यहाँ किसी तरह से शो कैंसिल नहीं होता। और आप यकीन मानिए कि उस दिन सिर्फ 8 लोगों के सामने उन्होंने जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है अफ्रीका जवान परेशान का वो किया। ये होता है द शो मस्ट गो ऑन, दिस इज डेडिकेशन। जब मैं इप्टा के बारे में सोचती हूँ, जाहिर है कि जैसे सब लोगों ने कहा हम सब लोगों के लिए परिवार ही है, लेकिन यहाँ की जो लैक ऑफ हायरार्की है इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा सबक मिले। हम जो फिल्म में काम करते हैं तो जाहिर है कि स्टार को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है, जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग तो कोई भी नहीं होते, मगर जो छोटा काम कर रहे हैं वो उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता। इप्टा में ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन है कि आज आप लीड रोल कर रहे हैं, कल आप बैक स्टेज कर रहे हैं, थर्ड डे आप अपने लाइट्स पे बैठे हुए हैं, तो किसी की कोई हायरार्की नहीं होती। मुझे लगता है किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने दिल के अंदर कोई हायरार्की नहीं माने, क्योंकि अगर आप अपने आप को किसी और से सुपीरियर समझते हैं तो आप अपने काम से सच्चाई नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप एक दूसरे को इस बात को जाने कि आप एज एन एक्टर तभी अच्छे हैं जब आपके अतराफ जितने लोग हैं
वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं तभी जाके आप सच्चाई से काम कर सकते हैं। तो लैक ऑफ हायरार्की इप्टा में जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक छोटा सा वाकया जो मैं आपको बताती हूँ कि कैफी साहब जो है वो मम्मी को बहुत सराहते थे ऑब्वियसली, और जब उनको थिएटर के लिए किसी प्ले के लिए उनको तैयारी करना होती तो अब्बा हमेशा जो है उनके साथ उनके डायलॉग लेते थे, उनको क्यूज देते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक प्ले था वो इप्टा का नहीं था लेकिन मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि किस्सा बहुत मजेदार है। प्ले था पगली, 15 दिन के अंदर उनको पूरा प्ले करना था और महाराष्ट्र स्टेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना था। तो वो जहां भी होती थी अपना डायलॉग बोलने लगती थी। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि बाबरची खाने में हंडी भूनते हुए उन्होंने उठो गिरे वो पंखे बोले करके जो चीखे तो बाबरची किचन से बाहर निकला भाग के, मेम साहब पागल हो गई है पागल हो गई है पागल हो गई करके वो जो है वहां से भाग गया। तो मैं रोती थी अब्बा के पास गई और मैंने कहा मम्मी तो पागल हो गई। तो अब्बा कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा ठहरो चलो हम लोग बीच पे चलते हैं, और बीच पर मुझे लेकर गए और उन्होंने कहा बेटे मम्मी पागल नहीं हुई है, मम्मी प्ले कर रही है और उनके पास सिर्फ 15 दिन है ये नाटक याद करने के लिए। तो करना तो ये चाहिए कि हम सब लोगों को मम्मी का हाथ बटाना चाहिए, वो जब जब जहां जहां डायलॉग बोले हम सब लोगों के पास उसके क्यूज रहने चाहिए ताकि वो जहां भी बोले हम क्यूज, जैसे कि अभी रमेश तलवार दे रहे थे इसी तरह से सब लोग, और वो बिल्कुल पागल नहीं हुए और उनका फर्स्ट आना बहुत जरूरी है। 15 दिन के बाद जब शौकत कैफी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मुझे पूरा यकीन था कि मेरी वजह से ही उनको मिला क्योंकि मैंने उनको सही तरीके से वो दिया। अभी कुछ साल पहले मैं एक नाटक में काम कर रही थी, वन एक्ट वन वुमन प्ले है, अंग्रेजी प्ले है, और पता चला मेरे पैर में बहुत बुरी तरह से मोच आ गई है। तो हमारे डायरेक्टर भागे भागे आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं प्ले कैसे कैंसिल करेंगे, आप जो है उसको व्हीलचेयर पे कर लीजिए। मैंने कहा व्हीलचेयर पे कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरी माँ मेरे बाजू में बैठी, मेरी सगी माँ सौतेली माँ नहीं, बोलते बेटे ये तो मुमकिन नहीं हो सकता, ये शो तो कैंसिल नहीं हो सकता। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे 2 बोरान के इंजेक्शन दिए, मैंने वो प्ले किया। अगले दिन जाकर फिर मेरा प्लास्टर चढ़ा और 6 हफ्ते तक मैं प्लास्टर में रही लेकिन वो शो कैंसिल नहीं हुआ। एक और बात मैं बताना चाह रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी शो की बगाड़ती हूँ, इसमें मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्या वैल्यू सिस्टम है। जब आप इप्टा के साथ बड़े होते हैं तो आपका क्या वैल्यू सिस्टम बनता है। मुझे अस्थमा का बहुत बुरा अटैक हो रहा था और मैं हॉस्पिटल गई, जस्ट लोग हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। तो मैंने कुछ झेलते हुए कहा कि अभी तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ 3 घंटे के बाद हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा क्यों कोई एग्जाम देना है, मैंने कहा मेरा एक स्ट्रीट प्ले है चर्च के स्टेशन पर वो मुझे करना थी, सिर्फ मैं आपकी तस्वीर खींचना चाहता हूँ, मैंने कभी किसी पेशेंट से इस तरह की बात नहीं सुनी है। बहरहाल मैं गई, मैंने वो स्ट्रीट प्ले किया, फिर आई और फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुई। Because the show must go on. That is the lesson that we have. थोड़ी सी बात मैं लंबी कर रही हूँ लेकिन जब हम ये एक दूसरे से पूछते हैं कि जो सोल था, अभी अतुल जी ने बताया कि किस तरह